आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी से कि आप सब लोगों को संबोधित करें। सतीश जी नमस्कार। मित्रों, आज जिन जो हमारे दिल्ली के प्रमुख लोग हैं और जो पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष अभय वर्मा जी, हमारे सांसद प्रवेश जी, साहिब सिंह चौहान जी और पूर्वांचल के तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। तीन विषय प्रमुख रूप से मेरे पास हैं। एक है कि पूर्वांचल के लिए जो गत 20-25 वर्षों से लगातार एक बिहार के बाद शायद दिल्ली पहला एक ऐसा स्टेट है जिसमें 15 साल लगातार कांग्रेस का शासन रहा, 49 दिन हमारे माननीय केजरीवाल साहब का शासन रहा, लेकिन पूर्वांचल के लिए जो कुछ होना चाहिए था, पूर्वांचल के लोगों की जो एक डिमांड थी, पूर्वांचल के लोग जो लगभग दिल्ली में 70 लाख से लेकर के 80 लाख तक रहते हैं, जिनका दिल्ली के विकास में, दिल्ली की प्रगति में, दिल्ली में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उनका एक सबसे बड़ा हम भारतीय संस्कृति को और अपने देश के जो त्यौहार हैं उनको सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देने का त्यौहार छठ, जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से आप सबकी एक डिमांड थी कि दिल्ली में इस दिन जो हमारे सारे 80 लाख लोग हैं, 70 लाख लोग हैं, उसको एक अवकाश घोषित किया जाए। कल हम चीफ सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में हमने पहले से ये मांग की थी और कल मीटिंग भी की थी। कल हम छठ घाटों पर भी गए थे, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हों, वहाँ पर किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें डिप्लॉय की जाएं, वहाँ पर किस तरीके से स्वच्छता पूरी तरह से ठीक रहे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, उसके लिए वहाँ पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था हो, पानी किस तरह से स्वच्छ उन लोगों को मिले, क्योंकि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और उसमें किसी प्रकार की जितने भी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स होना है, उन डिपार्टमेंट्स को भी वहाँ पर सबको कल हमने उसका मुआयना और जायज़ा लिया था। उसमें मेरे साथ मनोज तिवारी जी भी कल साथ थे, दिल्ली सरकार के तमाम ऑफिसर साथ थे, हमारे तमाम पूर्वांचल के कार्यकर्ता साथ थे, और हमने उनसे मांग की थी कि इस छठ पर दिल्ली के अंदर MCD सहित तीनों MCD के अंदर ये जो एक बड़ी मांग थी उसकी उसका हमने हमारी मांग को माना गया। केंद्र सरकार को हम और दिल्ली की जो वर्तमान प्रशासन है उसको हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों की जो एक इच्छा थी, उनके मन में जो एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विश्वास था, और वो एक छठ का जो अवकाश है वो अवकाश घोषित किया है, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से इन सबको बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की तमाम लोग इस दिल्ली में कुछ एक अजीब तरह की राजनीति भी हो रही है। एक राजनीति तो विकास की है, एक राजनीति ट्रांसपेरेंसी की है, एक राजनीति प्रगति की है, एक राजनीति शांति सौहार्द बनाने की है, लेकिन कुछ दलों का जो जनाधार है वो लगातार नीचे हो रहा है, और वो कुछ लोग राजनीति ऑफ ट्वीट्स करते हैं, कुछ लोग आरोपों की राजनीति करते हैं, और मीडिया के सामने अपना एजेंडा भी सेट करने की कोशिश करते हैं। जो उनके मन में आता है किसी भी तरह की बातें करते हैं, कुछ लग में आता है तो मीडिया हमारे पास आता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी को इस पर रिएक्ट करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी किसी वोट बैंक की राजनीति को लेकर के समाज में किस तरह से सब समरस रहे, इसको लेकर के ये पूर्वांचल के लिए जो कार्यक्रम हमने किया है उसको हमें हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पास दो विषय और हैं जिसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। एक लीगल नोटिस हमने पार्टी की तरफ से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के आरोपों की राजनीति करने वाले केजरीवाल साहब को भेजा है हमने, क्योंकि वो कोई भी अनर्गल बातें करते हैं उसके संदर्भ में भी मैं आपको कहूँगा। और दूसरा, जो त्रिलोकपुरी में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द कुछ समय के लिए ख़राब हुआ था,
उस पर भी उन्होंने आरोपों की राजनीति की है। तो इसके संदर्भ में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं, चूँकि पूर्वांचल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग कैसा महसूस करते हैं, उनके मन में क्या है, हमारे बीच में मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं, उनसे भी मैं चाहता हूं कि वो ज़रूर पत्रकारों को अपने मन की बात, अपने मन की जो चीज़ है वो कहें। और इसी के साथ अभय वर्मा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और ख़ास करके पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं और पूर्वांचल के संदर्भ में तमाम काफ़ी दिनों से इस सारे उसमें लगे हुए थे, मैं आग्रह कर रहा हूँ मनोज जी से कि मनोज जी अपनी बात कहें। आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, और ये छठ की छुट्टी अपने पार्टी के द्वारा घोषित कराकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सच में मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, हमने अपने अध्यक्ष जी को बताया, अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बताया, और कल हमारी पहल पे ये कार्य हो गया है। तो हम अपनी पूरी जो ये लंबे समय से मांग चल रही थी, जो छुट्टी घोषित हुई, उसके लिए अपने पूरे पूर्वांचल समाज के और छठ माई के भक्तों को विशेष तौर से मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये